जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आज की क्लास बाल विकास शिक्षण कौशल क्लास लेकर के आज तीसरा दिन, तीसरा क्लास प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेंट कर रहे हैं आपके बीच में। इसमें जो साथियों पिछले दो क्लास में वन से लेकर के 90 क्लास तक का आपका जो 90 क्वेश्चन तक आप उसका सोल्यूशन हो चुका था, उसका डिस्कशन हो चुका था। आज हम 91 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। और साथियों, जो साथी उस क्लास को, विगत दो क्लास को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप उसे पहले जा करके उसे देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, ताकि आपका सीरीज जो है, आपकी क्रम जो है, टूटेगी नहीं और पूरा फ्लुएंसी वे में आपको समझ में आ जाएगी। और ये शिक्षण कौशल बहुत इजी वे में है। आप देखेंगे तो किस तरीका से, कैसे कैसे कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताया गया है। तो साथी, ये जो क्लास जो है, शिक्षण क्लास CTET 1 से 5 और 6 to 8 के लिए उपयोगी, बहुत उपयोगी है। और साथ ही सक्षमता अभ्यास हम तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाली है, उसके भी दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे दो शब्दों में आपको हम कहना चाह रहे हैं कि यूं ही नहीं होती है जिंदगी में तब्दीलियां, यूं ही नहीं होती है जिंदगी में तब्दीलियां। रोशनी होने के लिए मोम को पिघलना पड़ता है, मोम को पिघलना पड़ता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए आपको अपने समय के साथ तालमेल करना पड़ेगा। आपको समय के साथ तालमेल करके उसमें समय निकाल करके आप क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास आपको देखना है, ताकि आपको आने वाला एग्जाम आप लोगों के लिए अच्छा वरदान साबित हो सकता है। तो साथी, आपको ये हम गारंटी देते हैं, यदि आपके अंदर हिम्मतें हैं, जोश है और जुनून है, तो आपकी इच्छाएं निश्चित पूरी होगी। ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूं, दो सब सुनिए, किसी ने कहा है, शाखे रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। शाखा मतलब डाली, टहनी, शाखे रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। साथियों, आपका भी लगता होगा मेरा दिन ठीक नहीं है, खराब है, पेशेंस रखिए, बिलीव द गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने हिम्मत और जज्बा को बनाए रखें। वह दिन, अच्छा दिन आप लोग के लिए आने वाला है। बहुत दिन बुरा देख लिए हैं, तो अच्छा दिन निश्चित रूप से देखेंगे। तो उस ठीक आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे, बने रहें। आज का क्लास जो है छोटा ही क्लास होगा, आधा घंटा की क्लास होगा, जिसमें आपका ये इस चैप्टर का क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपको हो चुका है, 91 से आए क्वेश्चन सवाल बनाते हैं। तो ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, आप ज्यादा क्लास नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ी अच्छा ढंग से आप इसे देखेंगे। तो चलते साथी 91 क्वेश्चन की ओर, 91 क्लास की ओर चलते हैं, 91 नंबर क्लास क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम आज स्किप ये जो भेज रहे हैं, आप देखते होंगे यह जो जा रही है क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन आपको हो चुकी है, ये सब क्वेश्चन हो चुकी है, 90 क्वेश्चन तो हो चुकी है और 91 आज क्लास होगी। 90 और जो साथी आप इसमें नहीं देख पाए हैं, तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का, प्रीवियस दो क्लास का जो वीडियो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा, यानी उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां जा करके देख करके आप उसे फायदा अपना ले सकते हैं और अपना जो क्लियर जो डाउट होगा उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम 91 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, 91 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। और इसमें साथ ही कहना चाह रहे हैं कि 1/12 को यानी कल से 1/12 को आपको 1/12 से आपका नया क्लास, यानी बीएसएससी का और
और उसके साथ साथ एसएससी जीडी का बैच चालू होने वाली है। जो आपके साथी होंगे, जो आपके भाई होंगे, उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि बैच चालू होने वाली है और उस बैच में क्या क्या चीज मतलब फीचर होगा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस बैच का जो फीचर होगा आप देखेंगे, उस बैच का फीचर आप बता रहे हैं। थोड़ा बोर्ड स्लो हो गया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इस वेट में तो हम आपकी बैच का फीचर बता रहे थे। एसएससी बैच का आपका बैच के फीचर आपका बीएसएससी जो है आपको 1/12/2023 से आपका स्टार्ट होगी। एक बार और एसएससी जीडी का जो सेंट्रल लेवल का है वो भी आपको 1/12/2023 से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको क्या मिलेगी, लाइव क्लास उसमें होगा। उसमें भी आपको जो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, रिकॉर्ड और फ्री मटेरियल्स मिलेगी आपको फ्री में, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसका जो ये जो है आप एप्लीकेशन पर भी इसका एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर के मिशन ऑनलाइन एकेडमी और ये अर्थात ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उस पर भी आपको क्लास होगा, उस क्लास का फी ₹2000 मात्र है। जो 1 से 5 दिसंबर तो एडमिशन करा लेंगे उनका 50% ऑफ होगा, यानी उस क्लास में मात्र ₹999 का क्या है, ₹999 बीएससी बैच के लिए है, और जीडी बैच के लिए एसएससीजीडी के लिए मात्र ₹499 है। आप उसमें इस क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 7992258422 पर व्हाट्सअप करेंगे या आप क्या करें कॉल कर सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर चलती है आप उसको नोट कर लेंगे और आप अपने भाई को, अपने साथी संगत को इसके बारे में आप बता देंगे। तो चलिए साथी अब 91 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 91 क्वेश्चन की ओर करते हैं। कहते हैं हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात बाकी कथन सत्य है और एक कथन क्या होगा गलत होगा। तो देखिए कहते हैं माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा के दो खंड हैं। माध्यमिक स्तर पर सवाल सिर्फ समझना है आप लोग को, माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा के दो खंड के बारे में बात करता है। स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार का विशेष प्रयास हो। आप जैसे एनईपी 2020 आया है तो एनईपी 2020 के बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे, आपको बीएसएफ 2008 के बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में, ये सब यदि हंटर आयोग अलग से बताया जाएगा। आप कहते हैं निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा देना चाहिए, तो पूर्ण में बढ़ावा दें, तो कौन सा कथन असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि ये तीनों कथन सत्य है तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यदि ये तीनों कथन में से कोई असत्य है तो आपका वो आंसर हो जाएगी। तो ये तीनों सत्य है, इसमें कोई कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। आपको आगे कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के किस कर्म के राष्ट्रपति थे, यानी तीसरे
चौथे, पांचवें और छठे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो किस क्रम के? तीसरे के थे। पहला कौन है? पहला क्रम है डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं डॉक्टर क्या है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा दी सर्वपल्ली 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 राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा राधा कृष्णन, कृष्ण नन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो तीन नंबर पर कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो तीन नंबर पर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तीन नंबर पर। तो ये किस नंबर पर थे राष्ट्रपति? तो तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति थे। और ये बहुत बड़ा दार्शनिक थे, ये बहुत बड़ा दार्शनिक थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद विभूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? पद विभूषण, पद विभूषण। आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चार सर्वोच्च पुरस्कार सिविल क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरी बात क्या है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण। उसके बाद क्या है? पद्मश्री, पद्मश्री। और सबसे नीचे में क्या है? पद्मश्री। तो पद्मश्री छोटा होता है, उससे अब ज्यादा पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा क्या होता है? भारत रत्न, सबसे बड़ा भारत रत्न। तो जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1952 में, 1956 में, 1954 में, 1958 में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण का पुरस्कार कब मिला? तो 1954 ईस्वी में। कब मिला? 1954 ईस्वी में। 94 क्वेश्चन आपका है इस सीरीज का। 94 क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें से कोई एक कथन सत्य है और बाकी कथन क्या है? असत्य है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में इनमें से एक कथन क्या है? सत्य है और बाकी कथन क्या है? कौन सा कथन क्या है? बाकी कथन सत्य है, बाकी कथन गलत है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक कथन क्या है? असत्य है, तो बताना है। कहता है इनका जन्म 15 दिसंबर 1996 को तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म कहता है 15 दिसंबर, इनका जन्म 15 दिसंबर 1996 को तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु के जाकिर हुसैन जी नहीं थे, गलत आंसर है। तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र पीएचडी नहीं की थी, ये नहीं आंसर होगा। द सोशलिज्म में इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, द सोशलिज्म एक प्रसिद्ध रचना है, ये आपका नहीं होगा। इन्होंने वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1963 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, ये आपका आंसर क्या होगा? ये आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। ये आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अब आपको 95 क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 95 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर 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 जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। कब थे? 1916 से 28 तक, 1920 से 1931 तक, 1926 से 1948 तक, 1936 से 1991 तक। तो आप याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के क्या थे? कुलपति थे। जामिया मिलिया इस्लामिया कौन थे? कुलपति थे, कुलपति थे। तो कुलपति थे। तो आंसर आपका आंसर क्या होगा? 26 से
वर्ष 1926 से 1948 तक। अब देखिए 48 और 26 में घटाएंगे तो कितना वर्ष, 22 वर्ष तक का। 22 वर्ष तक क्या थे, 22 वर्ष तक कुलपति बनल रहे। 22 वर्ष तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया क्या थे, कुलपति थे। तो वर्ष 1926 से 1948 तक, 1926 से 1948 तक। अब अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, 1995 तमिलनाडु में, 1895 तमिलनाडु में, 1890 कर्नाटक में, 1902 आंध्र प्रदेश में, 1907 पश्चिम बंगाल में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनके नाम से पता है कि 1895 में कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। 1895 में ये तमिलनाडु में हुआ था, 1895 में तमिलनाडु में। अब जे कृष्णमूर्ति द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, जे कृष्णमूर्ति द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, भारत निर्माण का, ऋषि बेली का, जन संस्था का और रंगम स्कूल का। जे कृष्णमूर्ति जो तमिलनाडु थे उनके द्वारा किस संस्थान का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, किस संस्थान का स्थापना किया गया था, तो कहते ऋषि बेली का स्थापना किए थे। अब फिर है जे कृष्णमूर्ति द्वारा किस शिक्षण संस्था की स्थापना की। दोबारा क्वेश्चन आ गया, भारत निर्माण, ऋषि बेली, जन संस्था और रंगम स्कूल। तो आप जानते हैं क्या हो गया, ऋषि बेली। अब 99 में जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे, उनका संबंध किस देश था, किनका, जॉन डीवी क्या थे शिक्षा शास्त्री थे और दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे, उनका संबंध किससे था, किस देश से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो फ्रांस से और जर्मनी से। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा अमेरिका। तब 100 नंबर क्वेश्चन आपका, 100 नंबर इस सीरीज का 100 नंबर क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। येल विश्वविद्यालय में टेरी लेक्चरर्स पर आधारित संकलन है, टेरी लेक्चर पर आधारित संकलन है, सर्वश्रेष्ठ निष्ठा का, सर्वोत्कृष्ट भावना का, सर्वश्रेष्ठ आस्था का, सर्वोत्कृष्ट गरिमा का। कहता क्या, टेरी लेक्चरर पर आधारित संकलन येल विश्वविद्यालय का, किस विद्यालय, विश्वविद्यालय का, तो येल विश्वविद्यालय का, येल विश्वविद्यालय क्या था, तो क्या होगा, सर्वोच्च किसका आस्था का। सी नंबर आपका आंसर होगा। आज का जो है इस 100 नंबर की क्लास का जो है ये यहीं पर समाप्त होती है। और साथियों आपको ये कहना चाहेंगे, आज का सीरीज थोड़ा सा छोटी सी आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत था और स्वागत है और स्वागत रहेगी। आप पूरे इसका प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे, पूरे इस सीरीज का पूरा 100 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और आने वाला दिन में हम आगे क्वेश्चन बताएंगे जो जिसमें पाठ्यक्रम, पाठचर्या और पर केंद्रित शिक्षण का तरीका होगा। पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या क्या है, इसके पर क्लास करेंगे। आप आने वाला दिनों में आप उसमें जुड़ रहेंगे। आज क्लास के इतना ही, बेस्ट लक, थैंक यू मेरे साथियों।